बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर टू ऑफ आवर बुक। चैप्टर नंबर टू का नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो बच्चे, आज हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को समझेंगे, देखेंगे। वी विल सी व्हाट आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बच्चे, लव्स सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। लव्स बायो रिलेटेड टू लाइफ एंड लॉजिकल मतलब के रीजनिंग से। तो आज हम उन मॉलिक्यूल्स को पढ़ने जा रहे हैं जिनसे मिलके ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और एक इंडिविजुअल बन जाता है। इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनको बच्चे हम कहेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल, जो छोटे मॉलिक्यूल हैं। फिर आएंगे हमारे पास बड़े मॉलिक्यूल जिनको हम कहेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। और जो मैक्रो मॉलिक्यूल है बच्चे, इनके हम कंपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में कि कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज के बने हुए हैं, प्रोटीन किन चीजों की बनी हुई है, लिपिड्स किन एटम्स के मिलके बने हुए हैं। तो बच्चे, इनको इस चैप्टर में हम डिटेल में देखें। सोचिए, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के लिए सबसे पहली डेफिनेशन जो हमें समझनी है वो बायोकेमिस्ट्री की है। तो आइए बच्चे, चलते हैं बुक की तरफ, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन को समझते हैं। बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड द केमिकल प्रोसेसेस अक्रिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो कहता है व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, वो कहता है बायोलॉजी की वो ब्रांच जो किस चीज से डील कर रही है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की केमिकल कंपोजिशन से। पहली बात कि प्रोटीन्स किस चीज की बनी हुई है, लिपिड्स किस चीज के बने हुए हैं, हमारे ब्लड की कंपोजिशन क्या है, यूरिन की कंपोजिशन क्या है। तो डिफरेंट चीजों को केमिकली देखना, उनकी कंपोजिशन को देखना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, पहली बात ये हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। दूसरी बात, डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस विच आर अक्रिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको बच्चे हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। लाइक रेस्पायरेशन एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, इसको हम बायोकेमिस्ट्री में देख रहे हैं। फोटोसेंसेस एक बायोकेमिकल रिएक्शन। तो बच्चे, ये दो एग्जाम्पल किस चीज के, रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अकर हो रहे हैं। सो बायोकेमिस्ट्री हम चीजें देखते हैं दो। पहला, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी केमिकल कंपोजिशन को, और दूसरा वो केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अकर हो रहे हैं, हैपन हो रहे हैं, उनको बच्चे हम किस ब्रांच में देखते हैं, अंडर बायोकेमिस्ट्री। सो बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन, भी आप कह सकते हैं केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अ बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बिकॉज ऑल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैव बायोकेमिकल ऑर्गेनाइज। सो उसने बच्चे हमें बुक में एक लाइन बोली कि बेसिक नॉलेज बायोकेमिस्ट्री का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए। क्यों? लिविंग ऑर्गेनिज्म की एनाटॉमी, एनाटॉमी बच्चे क्या चीज है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं, और फिजियोलॉजी या फिर मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी को कहते हैं। दुनिया में हर चीज एटम की बनी है, एटम्स ने मिलके बनाए मॉलिक्यूल्स, और ये मॉलिक्यूल्स वो बिल्डिंग ब्लॉक है जो ऑर्गेनेले और सेल बना रहे हैं। तो बच्चे, अगर हमारे पास बेसिक नॉलेज होगा तो हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर सकेंगे। जैसे बच्चे, डिफरेंट हार्मोन्स में हमें क्या मिलेगा कि डिफरेंट हार्मोन्स प्रोटीन है। अगर हम हार्मोन्स की कंपोजिशन में जा रहे हैं, प्रोटीन्स मिलेंगी। एंजाइम क्या है? प्रोटीन।
सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन पर अगर आ जाए तो आपको एक लिपिड बायलेयर मिलेगी, उसके दरमियान में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड मिलेंगे। जब तक हम इसकी कॉम्पोजिशन में नहीं जा रहे तो हमें समझने में मसला रहेगा। जैसे हम कंपोजिशन पे चलेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की, हार्मोन के कंपोजिशन पे चलेंगे हम, एंजाइम्स की कंपोजिशन पे चलेंगे हम, तो इसमें फायदा क्या मिला कि हमें चीज को समझने में आसानी हुई, हमें जो किसी भी चीज को समझने में उसको पढ़ने में हमारे पास आसानी पैदा होगी, मसला खत्म हो गया। सिमिलरली हमने बायोकेमिस्ट्री में दूसरी बात की कि हम केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे, तो रेस्पिरेशन को जब हमने केमिकली देखा हमें समझने में आसानी होगी कि ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी ब्रेकडाउन हो रही है, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिल रही है। तो हमने रिएक्शन को केमिकली देखा, हमने इस प्रोसेस को केमिकली देखा। सेम केस विद द फोटोसेंसेस, तो फोटोसेंसेस को हमने जब केमिकली देखा हमें समझने में मदद मिली कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, और हमें उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट मिला। तो हमें पता चला कि जो बायोकेमिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए, और उसके अंदर जो ऑन गोइंग प्रोसेसेस है उन, फॉर एग्जाम्पल फोटोसेंसेस, रेस्पायरेशन, डाइजेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैन ऑल बी डिस्क्राइब इन बायोकेमिकल टर्म। बच्चे फोटोसेंसिस को अगर आपने जानना है आपको केमिस्ट्री का, बायोकेमिस्ट्री का सहारा लेना पड़ेगा। क्या ऑक्सीजन और वाटर मिल रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज। अब बच्चे एक चीज देखिएगा, नोट कीजिएगा, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बच्चे हम किस चीज को कहते हैं? हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं सब के सब रिएक्शंस को हम मिलके क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। अब ये जो मेटाबॉलिज्म, इसके आगे दो टाइप्स हैं। एक टाइप ऐसी के जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स टूटकर छोटे मॉलिक्यूल्स में जा रहे होंगे, तो उसको हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म। और याद रखिएगा, कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होगी। दूसरा एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़े मॉलिक्यूल्स बना रहे होंगे, बड़े स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, और एनाबोलिज्म में हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी, एनर्जी इस्तेमाल हो रही होगी। तो बच्चे मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स। अब बच्चे आगे इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, जो रीडिंग कम कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स विच आर जनरली क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाए उसको हम बच्चे क्या नाम देते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स बचे दुनिया में सब के सब क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस जिनको हम इधर डिस्कस नहीं कर रहे, वो केमिस्ट्री में आएंगे। तो बच्चे व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाए। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों चीजों के बने हुए हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के भी। बात यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा पाए जा रहे हैं, मेजोरिटी में पाए जा रहे हैं, जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो माइन्यूट क्वांटिटी में, ट्रेसेबल अमाउंट में पाए जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। अब बच्चे इनका मैं बारी बारी आपको फंक्शन बयान कर रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी रिजर्व है, सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, ठीक है, और ये एनर्जी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसका फंक्शन देख लीजिए, प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी में, एंजाइम प्रोटीन के, हार्मोन प्रोटीन के, हीमोग्लोबिन प्रोटीन की, नेल्स प्रोटीन के, हेयर प्रोटीन के, हमारे मसल्स प्रोटीन के। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंडर कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चे याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट में आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगी, जबकि प्रोटीन में आपको कार्बन,
हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगी। और प्रोटीन स्ट्रक्चरल रोल भी बना रहे, जैसे मसल्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, और फंक्शनल रोल भी एंजाइम्स। नेक्स्ट बच्चे हमें कहता है लिपिड्स है। लिपिड्स हमारे मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, देयर इज अ लिपिड बायलेयर। तो डिफरेंट मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चरल रोल कौन अदा कर रहा है? लिपिड्स। और जो एनर्जी के आखिरी रिजर्व होते हैं, मींस बहुत एनर्जी हमारे पास सरप्लस अमाउंट में आ गई, तो तब हम उसको फैटी एसिड्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। और जो फैटी एसिड्स है ये लिपिड की एक टाइप है, लिपिड की ही एक फॉर्म है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में बच्चे हम डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है, सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है। उसके बाद ओलिगोसैकेराइड, डायसैकेराइड, इनके नाम सुन के परेशान ना हो जाइएगा, इनको हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट पे आ जाए न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और डीएनए को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो इसमें आपको कार्बन भी मिलता है, हाइड्रोजन भी मिलता है, नाइट्रोजन भी मिलता है, फॉस्फेट भी मिलता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इंपॉर्टेंट हुए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, स्ट्रक्चर रोल भी अदा कर रहे और फंक्शनल रोल भी। अमंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो उसने हमें बता दिए, अब वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। वाटर कैसे इंपॉर्टेंट है? विदाउट वाटर फोटोसेंसेस नहीं हो सकती। वाटर है तो इनऑर्गेनिक, पर विदाउट वाटर कोई चीज भी नहीं हो सकती। उसके अलावा एंजाइम्स वाटर एनवायरमेंट के अलावा अपना काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एंजाइम को एक्वस मीडियम चाहिए अपने काम करने के लिए। ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेशन का रिएक्शन है, वो विदाउट वाटर नहीं हो सकता। तो बच्चे बहुत से हमारी बॉडी में फंक्शन है जो पानी के अलावा नहीं हो सकते, जबकि पानी इनऑर्गेनिक। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इंपॉर्टेंट है? फोटोसेंसेस नहीं हो सकती कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा, सो वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिफरेंट सॉल्ट्स, आयोडीन हमारे सॉल्ट में पाया जाता है, अगर आयोडीन की कमी हो जाए थायराइड ग्लैंड अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। सो आयोडीन है तो इनऑर्गेनिक इन नेचर। अगर फॉस्फेट नहीं होंगे तो हमारे न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर नहीं बन सकेगा। अगर कैल्शियम नहीं होगा हमारी बोन स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकेंगी। अगर आयरन नहीं होगा हमारी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। अगर फ्लोरीन नहीं होगा हमारे दांत मजबूत नहीं रहेंगे, दांतों की व्हाइटनेस नहीं रहेगी। तो सारे हैं तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, पर इनकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल इक्वली है। नीचे बच्चे अब चल रहे नेक्स्ट पेज पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसने माता जिक्र की है वो मेटाबॉलिज्म है। तो बच्चे मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हम आएंगे अपने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का, उसने एक कंपैरिजन किया है कि किस सेल में कितनी प्रोटीन पाई जाती है, कितने कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, कितने लिपिड्स पाए जाते हैं, कितना आरएनए पाया जाता है, कितने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। उससे पहले हमें समझना बच्चे मेटाबॉलिज्म को। सो मेटाबॉलिज्म बच्चे मैंने आपको क्या बताया, बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उन सबको कंबाइनली हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। वो रिएक्शंस जिसमें छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़े मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जैसे ग्लूकोज आपस में मिलते जाएंगे कार्बोहाइड्रेट बना देंगे। तो छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़े मॉलिक्यूल जब बना रहे हैं या बड़े स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। और इसमें एनर्जी इस्तेमाल होगी, फोटोसेंसिस भी एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज को बना रहे हैं, तो एनाबॉलिज्म की एग्जाम्पल। उसमें एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, कौन सी? सनलाइट की एनर्जी। जबकि बच्चे दूसरा हमारे पास आता है तो कैटाबॉलिज्म क्या चीज है, जब हम किसी मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ रहे हैं। जैसे एनर्जी की जरूरत आन पड़ी, हमने एक्सेस एनर्जी को किसमें स्टोर किया हुआ था, कार्बोहाइड्रेट में। अब हम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे ग्लूकोज में, और फिर ग्लूकोज को किसमें तोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, प्लस एनर्जी रिलीज होगी। सो कैटाबॉलिज्म में हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए कैटाबॉलिज्म एनर्जी रिलीज होगी। कैटाबॉलिज्म हम बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़े और इसमें एनर्जी रिलीज होगी, जबकि एनाबॉलिज्म में हम छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला के बड़े मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो
आइए बच्चे इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं. ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल आर कलेक्टिवली नोन एज मेटाबॉलिज्म. हमारे सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं सबके सब रिएक्शंस को कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं? मेटाबॉलिज्म का. मेटाबॉलिज्म रिएक्शन बच्चे एनाबॉलिक रिएक्शन भी हो सकते हैं और कैटाबॉलिक रिएक्शन भी. अगर हम एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स बना रहे होंगे तो ऐसे रिएक्शन को बच्चे हम कहेंगे एनाबॉलिक रिएक्शन. और अगर हम बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ रहे होंगे और इस केस में रिलीज ऑफ एनर्जी होगा, एनर्जी एमिट होगी, तो बच्चे इसको हम क्या नाम देंगे? कैटाबॉलिक रिएक्शन का. मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू एनाबॉलिक रिएक्शंस एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस. दोज रिएक्शंस इन व्हिच सिंपलर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शन. ऐसे रिएक्शन जिसमें सिंपल सब्सटेंसेस सिंपल मॉलिक्यूल मिलके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या बड़े मॉलिक्यूल बना रहे हैं उनको बच्चे हम क्या नाम देते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शन का. और याद रखिएगा एनाबॉलिक रिएक्शन में एनर्जी इस्तेमाल होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. तो हमें आगे कहता है कि इन एनाबॉलिक रिएक्शंस एनर्जी इज एब्जॉर्ब. सो बच्चे एनाबॉलिक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. अब वो जरा दूसरे रिएक्शन की तरफ कैटाबॉलिक. दोज रिएक्शंस इन व्हिच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस विद द रिलीज ऑफ एनर्जी आर नोन एज कैटाबॉलिक रिएक्शन. सो ऐसे रिएक्शन जिनमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हम सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, बच्चे वो क्या कहलाता है? कैटाबॉलिक रिएक्शन. एनाबॉलिक रिएक्शन के एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, जबकि कैटाबॉलिक रिएक्शन के एग्जांपल रेस्पिरेशन. अब मैं बच्चे इस चार्ट पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक बैक्टीरियल सेल जो कि बच्चे प्रोकैरियोटिक सेल है, ऐसा सेल जिसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है, और दूसरा मैमेलियन सेल जो कि बच्चे एक यूकैरियोटिक सेल है. सो वाटर बच्चे बैक्टीरियल सेल में 70% होगा जबकि मैमेलियन सेल में 17%. प्रोटीन बैक्टीरियल सेल में 15% जबकि मैमेलियन सेल में 18%. कार्बोहाइड्रेट्स बैक्टीरियल सेल में प्रोकैरियोटिक सेल में 3% जबकि मैमेलियन सेल में 4%. ये सब बच्चे इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए. लिपिड्स है बैक्टीरियल सेल में 2% जबकि मैमेलियन सेल में 3%. डीएनए 1% इन बैक्टीरियल सेल एंड 0.25% इन सॉरी 1% इन बैक्टीरियल सेल एंड 0.25% इन मैमेलियन सेल. आरएनए 6% इन बैक्टीरियल सेल एंड 1.1% इन मैमेलियन सेल. अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक एंजाइम हार्मोन एंड मेटाबोलिट्स ये बैक्टीरिया में बच्चे पाए जाते हैं 2% और सेम इन केस ऑफ मैमल्स. सो मैमेलियन सेल में भी 2% पाए जा रहे हैं. लास्ट में इनऑर्गेनिक आयंस लाइक सोडियम पोटाशियम. सोडियम पोटाशियम बच्चे पंपकेट नर्व इंपल्स चैप्टर 4 क्लास 9 डिफ्यूजन और इफ्यूजन के टॉपिक के बाद सोडियम पोटाशियम पंप पढ़ते थे. सो नर्व इंपल्स में इंपॉर्टेंट है सोडियम पोटाशियम पंप. सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड इंपॉर्टेंट है नर्व इंपल्स के लिए. कैल्शियम किस लिए इंपॉर्टेंट है? बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. मैग्नीशियम ये हीमोग्लोबिन को भी मदद कर रहा है आयरन की जगह और मोस्टली ये प्लांट्स में बच्चे हेल्प करता है मैग्नीशियम. क्लोरीन SO4 और ये दोनों भी 1% है हमारे मैमेलियन सेल में भी और बैक्टीरियल सेल में भी. तो बच्चे ये था आज का हमारा लेक्चर. उम्मीद कर तो समझ आ गई होगी. इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई उम्मीद के साथ एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बच्चे अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.